पॉलीथिन बैग एक खामोश कातिल। स्कूलों में प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। पॉलीथिन बैग से मुतालिक आगाही मुहिम चलाई जाए। महकमा स्कूल एजुकेशन का हुक्म। मजीद बात करेंगे आतिफ परवेज से। आतिफ बताइएगा, पाबंदी आयद की गई है? जी बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से एक मरासला जो है तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज को जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि हुकूमत की जानिब से पॉलीथिन बैग को जो है आहिस्ता आहिस्ता खत्म करने की जो मुहिम चलाई गई, इसमें महकमा स्कूल एजुकेशन का भी अहम किरदार है। तो इसको देखते हुए पहले मरहले में जो स्कूलों के जो प्रेमिसेज है, स्कूलों के अहाते में शॉपिंग बैग इस्तेमाल पर पाबंदी लगाएगी। इसके साथ साथ स्कूल सरबराहान को कहा गया है कि वो शॉपिंग बैग के नुकसान के हवाले से बच्चों में जो है आगाही मुहिम भी चलाएं। स्कूल सरबराहान है वो खुद जो है बजाते तौर पर जो इस हवाले से पैगाम दे, स्कूलों में बैनर्स लगाए जाएं और आगाही सेमिनार मुनक्कद किए जाएं। इसके साथ साथ बच्चों में पोस्टर कंपटीशन, मॉडल कंपटीशन, स्पीच और की जाए, जिसमें जो शॉपिंग बैग के नुकसान है इस हवाले से बच्चों को आगाह किया जाए। और ये महकमा स्कूल एजुकेशन इस हवाले से इस मुहिम को जारी रखेगा। महकमा हुकूमत पंजाब की जानब से भी कहा गया है कि फौरी तौर पर जो है ये जो पॉलीथिन बैग है इनको आस्ता आस्ता खत्म करना है। तो इस हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन अपना किरदार अदा करेगा और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज जो है इस मुहिम पर अमल दरामद कराएगी और ये सिलसिला जो है चलते रहना चाहिए। और जो भी सरगर्मियां होंगी उनकी तस्वीरें जो है सीओ एजुकेशन अथॉरिटी और महकमा स्कूल एजुकेशन को भी भिजवाई जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आतिफ परवेज।